हेलो इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स आज हम कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में पिछली बार हमने देखा था कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है है ना और आज हम देखेंगे डिटेल में कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है किस तरह से बनता है उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जिन कंपाउंड में वो प्रेजेंट होता है और आयनिक बॉन्ड के बारे में भी हम सेम चीज़ें देखेंगे तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आयनिक कंपाउंड बनाता है पहली चीज़ है ना कुछ खास नहीं है इसमें कि आयनिक बॉन्ड है वो तो जो कंपाउंड बनाएगा उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे बट इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस हियर इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टैक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनदर इटम तो इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है है ना ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और सेकेंड हम बात करें अगर कोवेलेंट बॉन्ड की तो कोवेलेंट बॉन्ड में इट फॉर्म्स दी मॉलिक्यूल या ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है एज कम्पेयर टू दी डेट ऑफ दी आयनिक बॉन्ड जहां पर ट्रांसफ़र हो रहा था यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इस केस में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र एक एटम से दूसरे एटम पर नहीं होगा ठीक है बच्चों तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में चलिए आगे बढ़ते हैं मेटलिक बॉन्ड के बारे में हमने देखा था कि जो मेटल्स के बॉन्ड होते हैं जो एक जैसे लाइक like एटम्स होते हैं जैसे आयरन का एटम दूसरे आयरन के एटम से जुड़ा हुआ है एल्युमिनियम का एटम दूसरे एल्युमिनियम के एटम से जुड़ा है तो इस तरह के जो बॉन्ड्स बनते हैं लाइक एटम्स ऑफ मेटल्स उसको हम बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड इसके बारे में हम देख चुके थे पहले इससे मेटेलिक कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड की थोड़ा सा डिटेल में है ना आयनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन वैलेंस शेल ऑफ द एटम अब वैलेंस शेल वैलेंस शेल के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से है ना कि किसी भी न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के आसपास जो शेल होती है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल है ट आउटर मोस्ट शेल इज दी वैलेंस शेल है ना उस सबसे बाहर वाले शेल को हम क्या बोलेंगे बच्चों वैलेंस शेल बोलेंगे तो वैलेंस शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक एटम की वैलेंस शेल से दूसरे एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना आयनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ आयंस जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है एनए है ना तो ये सोडियम प्लस एन प्लस और सी माइनस आयन से बना हुआ है तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात है दे आर मेड अप ऑफ आयंस एंड नोट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स इसमें मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं बट इंस्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स द आयंस आर प्रेजेंट आयन से बने होते हैं तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दोनों में एक बेसिकली डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बट आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयन्स या जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी आयन से बने होते हैं इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम या तो सॉल्ट बोलते हैं या क्रिस्टल बोलते हैं है ना जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं हमें मतलब उनमें जो थ्री स्ट्रक्चर होता है उनकी लैटिस का वो फिक्स होता है है ना कितने भी मॉलिक्यूल्स कितने भी आयंस मिलकर के एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं और उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उस यूनिट को हम बोलते हैं उनकी शेल और ये हमें मिलता है क्रिस्टल या सॉल्ट में है ना जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कभी भी सॉल्ट या फिर क्रिस्टल नहीं कहते चलिए तो आगे बढ़ते हैं कभी कभी टेक्निकल चीजें हैंग हो जाती हैं है ना तो चलिए आगे हम देखें इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में एक इंपॉर्टेंट बात ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसमें जो मेटेलिक पार्ट होता है बच्चों है ना एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर देखिए समझते हैं कि एने प्लस और सी एल माइनस इसमें क्या होगा बच्चों कि एन ए प्लस वाला जो पार्ट है ये मेटेलिक पार्ट है और सी एल क्लोरिन जो है वो नॉन मेटेलिक पार्ट है है ना तो जो आयनिक बॉन्ड बना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के या आयन के कारण वो किसके किसके बीच में बना एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल ठीक है मेटलिक पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है पॉजिटिव आयन बनाएगा नॉन मेटलिक पार्ट हमेशा नेगेटिव आयन बनाएगा और नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों कंबाइंड होकर के देखो इस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास मेटल ऑलवेज डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन मेटल्स आर डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे डोनेट करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे अपने पास से लूज करेंगे अब इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो अपने ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है तो वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है है ना ये बात हमने देखी है. दूसरा नॉन मेटल्स आर गेनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है है ना तो ये हमारा मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब यहां पर क्या रहता है कि दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेटल और नॉन मेटल के बीच की इट्स शुड बी ग्रेटर देन टू ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए लुक अप इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द एटम इन बॉन्ड एंड सब्सटैक एन है सोडियम क्लोराइड है कैल्शियम क्लोराइड है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं है ना जरूरी नहीं कि सिर्फ दो एटम के ही बनते हो पोली एटोमिक भी हो सकता है जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो है इसमें सोडियम भी है नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है है ना तो ये भी हमारे कंपाउंड है जो कि आयनिक है देखिए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हम यहाँ पर एक डायग्राम से देखते हैं सोडियम और क्लोरीन, है ना? क्लोरीन के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है क्लोरीन का उसमें टोटल सात इलेक्ट्रॉन है ये सात इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा है ना आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास बट एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ये क्या होगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सोडियम के पास में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसका ऑक्टेट जो अंदर की जो शेल है है ना उस शेल में इसके आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे है ना सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर इलेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम देखें तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स और थ्री एस वन अब ये जो थ्री एस वन का एक इलेक्ट्रॉन है अगर ये चला जाता है तो सेकेंड वाली जो शेल है इसकी दैट इज सेकेंड शेल, वो शेल हो जाएगी सेकंड शेल के शेल होने के बाद सेकंड शेल में उसके आठ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पूरे हैं कंप्लीट है दैट मींस इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीट और ये स्टेबल हो जाएगा तो सोडियम जहां पर इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल हो रहा है क्लोरीन वहीं पर इलेक्ट्रॉन को लेने से स्टेबल हो रहा है है ना और दोनों के ऊपर एक चार्ज भी आ रहा है इसने इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है देट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे चलिए और आगे हम देखें आगे क्या है हमारे पास हाँ कहाँ चले गए कुछ ज्यादा हो गया कभी कभी ऐसा हो जाता है हाँ यहां पर थे हम है ना ये हमने देख लिया था अभी अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिए इस तरह का सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन सेवन इलेक्ट्रॉन एक देगा इसके पास भी आठ बाहर हो जाएंगे उसके पास में भी आठ बाहर हो जाएंगे और ये इस तरह से एक दूसरे से अटैच रहते हैं बीच बीच में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन और एटम इस तरह से प्रेजेंट होते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में ये अरेंजमेंट होता है द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स है ना इसके कुछ रूल्स भी हैं बच्चों कि आयनिक बॉन्ड बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा पहली चीज आती है आयनाइजेशन एनर्जी है ना आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा हुआ भी है फिर से देखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी अब देखो कैटाइन बनाएगा कोई भी मेटल पॉजिटिव चार्ज होगा कब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देना होगी और वो एनर्जी रहेगी आयनाइजेशन एनर्जी इस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी अलकली मेटल ऑलवेज अलकली मेटल्स हैव हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, थर्स मोर टेंडेंसी फॉर्म कैटायन, हैलकली मेटल है अलकली मेटल किसे कहते हैं हमने क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में चैप्टर में पढ़ा है है ना जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं है ना उन लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है, है ना ये सब क्या है अलकली मेटल है जो वेरी फर्स्ट ग्रुप में है है ना तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं क्योंकि इनके पास में आउटर मोस्ट शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है है ना तो ये इजीली कैटाइन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी अब जो नॉन मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी उसमें कुछ चेंजेस आता है एनर्जी में कुछ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एनथेलपी में चेंज आया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज वेन आइसोलेटेड गेसियस एटम टेक्स अप अन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन कोई नई बात नहीं बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई जब भी एटम हम हमें निकालना होता है किसी से तो हम एनर्जी लगाते हैं है ना तो मेटल से जब एटम निकलता है तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास से एनर्जी निकलती है।, है ना तो जो इतनी एनर्जी निकलेगी नॉन मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी नॉन मेटल तो उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी ग्रेटर द नेगेटिव एंथेल्पी ईजी आर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वहां से उतना ही ईजी होगा एनायन का बनना नेगेटिव आयन का बनना रिमेंबर केटायन पॉजिटिव आयन एनायन नेगेटिव आयन फिर आती है लेटेस एनर्जी या लेटाइस भी बोलते हैं हम जो लेटाइस एनर्जी है जब भी कोई क्रिस्टल या सॉल्ट बनता है तो उसके एक छोटी सी यूनिट को हम बोलते हैं लेटेस और उस लैटिस में कुछ बॉन्ड्स बनते हैं आयंस के बीच में बच्चों उस लैटिस के बनने में जितनी एनर्जी निकलती है क्योंकि बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी उसको देना पड़ेगी तो एक लैटिस को बनने में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी है ना तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है लेटाइस एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन टू फॉर्म आयनिक क्रिस्टल विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज रिफरस लेटाइस एनर्जी हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड किसी भी लैटिस को बनाने में हमें जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है जितनी ज्यादा एनर्जी हमें देना होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी किसी भी लैटिस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा अब देखिए साइज ऑफ द आयन अगर हम आयन की साइज की बात करें तो इन केस ऑफ सिमिलर आयन इंटरन्यूक्लियर न्यूक्लियर इज लेसर ड्यू टू विच इंटर आयनिक अट्रैक्शन इज ग्रेटर हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी विल बी लार्जर अगर सिमिलर साइज के आयन्स हैं एटम्स हैं ना सिमिलर साइज के आयन्स अगर हैं तो उनके बीच की न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम होगी और कम होने से क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बढ़ जाएगा चार्ज ऑन द आयन अब देखो ऑब्वियस है कि जिनके बीच में ज्यादा से ज्यादा चार्ज होगा आय हैविंग हाई चार्ज एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हैं लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज किसी पर अगर बहुत ज्यादा चार्ज है तो वो तुरंत या बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे एक दूसरे पर और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बच्चों उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा जो लेटाइस है लेटाइस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा है ना तो मोर द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द लेटाइस आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज हम देखें आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ये जितने भी सॉल्ट्स हैं क्रिस्टल्स हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं द नेटवर्क ऑफ आयंस हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न विच डिपेंड्स ऑन द साइज एंड चार्ज ऑफ द आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न है ना इनका जो ज्योमेट्री पैटर्न होता है जो लैटिस होता है उसका शेप होता है वो हमेशा फिक्स होता है ठीक है बर्स इज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयस आयन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है उस स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण इनका जो मेल्टिंग है या बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करवाते हैं या बॉइल करवाते हैं तो हमें उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है है ना अगर बॉयल होगी कोई चीज़ है ना तो बॉयलिंग में क्या होगा लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होगी तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन एंड डिजोल्व स्टेट ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये नॉर्मली तो गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के बट मॉल्टन या डिजोल्व स्टेट में पिघले हुए जब वो हैं डिजोल्व हुए पानी में कुछ भी या किसी चीज़ में डिजोल्व हैं उस कंडीशन में ये क्या रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर रहेंगे अब इसका रीजन क्या होगा बच्चों व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड बीइंग कंडक्टिव इन द मोल्टन और डिजोल्व स्टेट ओनली क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में है उस समय तो इनके बॉन्ड बने हुए हैं पूरे है ना तो ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो जाएंगे पूरे लेकिन जैसे हमने इनको डिजोल्व किया या मेल्ट किया तो क्या होगा ये आयन में टूट जाएंगे इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केटाइंस एंड एनायंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इसके बीच में बना वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे दैट इज वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड डिजॉल्व स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव है ना आयन्स आर नॉट फ्री टू मूव ये मूव करने के लिए आयन्स इनके पास फ्री नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में देट इज वाई दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्यवेंट लाइक वाटर एज सॉलवेंट इंटरेक्ट्स विद द आयन्स ऑफ आयनिक सॉलिड जो पोलर सोलवेंट होते हैं जैसे कि पानी है इसमें ये ईजिली रहते हैं डिजोल्व हो जाते हैं द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड इन एक्वा सोल्यूशन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन बिटवीन देयर आयन्स सच रिएक्शंस आर कॉल्ड आयनिक रिएक्शंस अब देखिए अगर हमने उनको डिजोल्व किया पानी में डिजोल्व किया वो आयंस में टूट गए और फिर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है जो आयंस टूट गए हैं वो आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस ड्यू कोर्स ऑफ द आयंस आर कॉल्ड आयनिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों आयनिक रिएक्शंस बोलेंगे ठीक है बच्चों तो ये हमारे पास में थी प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है आयनिक बॉन्ड्स के रीजन क्या हैं I hope you all have understood. Thank you so much for watching this video.